हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे। हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। इससे पहले मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सारा वीडियो बना चुका हूं और इसका बेसिक भी उसमें बता चुका हूं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक उसमें नहीं बता पाया था, तो इसमें बेसिक बताने का कोशिश करूँगा और जितने टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप्स को कवर करूँगा। एक वीडियो नहीं होगा तो दो तीन वीडियो बनेगा, लेकिन सारे के सारे बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोबेबिलिटी से आप परिचित होंगे 10th क्लास में, 9th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया गया था, पर 10th क्लास में अच्छा खासा क्वेश्चन आते थे इससे, और 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो पढ़ा था वो थोड़ा सा नॉर्मल था, और जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का था। इसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जरूरी है, और उसमें एग्ज़ाम में मतलब 10th क्लास वाला जो क्वेश्चन था उसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया था। हालांकि वो 10th क्लास के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे आप इस फॉर्मूला से आप उसको भी बना सकते हो, और नहीं तो नॉर्मल भी बना सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगता है, कुछ में नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं किसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा और किसमें बिना कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये सही डायरेक्ट नॉर्मल बना सकते हैं। क्वेश्चन को पहले देखना पड़ता है, तब उसको सॉल्व करना पड़ता है, ये बोल क्या रहा है, इसमें क्या अप्लाई होगा। हालांकि प्रश्न देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भाई यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों लगाया। तो आप बेसिक पहले समझिए, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तब आप समझ पाएंगे कि हालांकि मतलब कॉम्बिनेशन का यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। इसका फॉर्मूला की बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो आप जानते होंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना, यही होता है फॉर्मूला इसका। इसका और भी होता है कि यदि निश्चित हो, प्रायिकता यदि निश्चित होता है मतलब उसका प्रायिकता क्या हो गया 1, अनिश्चित हो उसका मतलब 0। एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि निश्चित का मतलब सूरज जो है हमेशा पूर्व के तरफ उगेंगे, यह निश्चित है, डेफिनेटली है। और अनिश्चित मतलब जैसे कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है उसको जिंदा होने की प्रायिकता क्या है, बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब वहाँ पे प्रायिकता की बात होगा तो 0। और जहाँ पे एकदम सही है आदमी होता है ना, मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंस में 1 होंगे जो निश्चित होंगे, और जहाँ पे अनिश्चित की बात हो वहाँ पे 0 होंगे। यानी इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ठीक है। यानी ये दोनों के बीच में होते हैं प्रोबेबिलिटी, 0 भी होता है लेकिन हर केस में नहीं होता, और 1 भी होता है वो भी हर केस में नहीं होता। तो ये रहा था। अब एक होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यानी कोई मान के चलो पास होने की प्रायिकता है 1/4, तो ना पास होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ना पास होने के 3/4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी जो एक हाँ वाला रहेगा वो, और उसका अपोजिट हो जाएगा ना वाला। ये है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं इसी ऊपर पर इसको बता दिया। अब इसमें प्रोबेबिलिटी का कितने टाइप्स आते हैं, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है गेंद वाला प्रश्न, और कभी कभी फल भी आ जाता है, इसी में डाल देते हैं इसको। एक होता है कार्ड, जो बहुत ही फेमस है प्रोबेबिलिटी के टाइप में देखा जाए तो। उसके बाद सिक्के वाले भी बहुत आते हैं, क्वाइंस वाले। उसके बाद आता है पासा यानी डाइस वाले, डाइस वो रीजनिंग वाला नहीं, यहाँ पे डाइस आपको प्रोबेबिलिटी के बेस पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में सिर्फ गेंद वाला टाइप को देखेंगे प्रश्न को। आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न देखेंगे और सोल्यूशन देखते देखते आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, हर एक टाइप में मैं 5-5 प्रश्न लिया हूँ। तो पहला टाइप गेंद वाला, यानी गेंद से रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, अ बास्केट कंटेन 3 ब्लू एंड 4 रेड। एक बास्केट है जिसमें 3 ब्लू बॉल है और 4 रेड बॉल है। इफ़ 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, इसमें से हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 3 बॉल निकालने हैं। वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर आइदर ब्लू और रेड, यानी यहाँ पे और की बात हो गया, या तो वो तीनों के तीनों ब्लू हों या तीनों के तीनों रेड हों। यानी जब और की बात होगा तो क्या लिखेंगे, इधर लिखता हूँ, जब और की बात होगा तो जोड़, और एंड की बात होगा तो मल्टीपल। यही दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। आपको फार्मूला मैं बता दिया, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, यही होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, 3 बॉल है
तीन बॉल में से हमें तीन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो तीन सी तीन और बोला है तो जोड़ देंगे, चार बॉल में से तीन को सिलेक्ट करना है, चार बॉल में से तीन को सिलेक्ट करना है, ये हो गया फेवरेबल। अब टोटल क्या है भाई, टोटल चार और तीन सात बॉल हैं, सात बॉल में से हमें तीन को सिलेक्ट करना है, बस यही है आपको प्रॉबिलिटी में कॉन्सेप्ट यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब इसको सोल्व करें, ये इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसा रहता है तो क्या होता है वन होता है प्लस, जब ये रहता है तो क्या होता है चार, या हाँ चार होगा डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे, सात को तीन बार लिखिए, तीन को दो बार, पाँच बटे पैंतीस, एक बटा सात, क्या है इसका प्रोबेबिलिटी, वन अपॉन सेवन, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या करना था, यानी फेवरेबल क्या करेंगे, तीन बॉल में से तीन निकालना है, या तो ब्लू हो या तो रेड हो, या तो ब्लू हो या तो रेड हो, या बोले तो प्लस, यदि यहाँ पे एंड रहता तो यहाँ मल्टीपल होता, ठीक है। और यहाँ पे टोटल टोटल सेवन बॉल हैं, थ्री बॉल को सिलेक्ट करना है, ये टोटल हो गया, और यहाँ पे अलग अलग हो गए, ये दोनों को जोड़ दिए और प्रोबेबिलिटी निकाल दिया मैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में है कि अ बैग कंटेन थ्री वाइट बॉल, थर्टीन वाइट एंड थ्री ब्लैक, सॉरी सेवन ब्लैक, हाँ इतना है, टू बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से कितना निकालना है हमें, दो बॉल रैंडम निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम कलर। देखिए क्या इसका प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों के दोनों सेम कलर का हों, यानी एक ही कलर का हों, या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सेम प्रोसेस इसी की तरह लगा देंगे यहाँ पे, थर्टीन में से हमें क्या निकलना है, टू, या बोले तो जोड़, सेवन में से टू और बीस में से टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, थर्टीन यहाँ पे प्लस सिक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, बीस मल्टीपल उन्नीस टू, सिक्स थ्री दस, क्या हो जाएगा, तेरह छक अठहत्तर, सत्या इक्कीस, एक सौ नब्बे, नौ नौ एक सौ नब्बे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्या समझा आपने, सेम कलर बोल रहा है, सेम कलर मतलब दोनों एक ही कलर का हो, या तो दोनों को दोनों वाइट हो या दोनों को दोनों ब्लैक हो, या बोल दिया या मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ कभी कभी यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीपल होगा, कब होगा भाई, जब वहाँ पे एंड लिखा रहेगा, ठीक है, जिसे आगे आपको मिलेगा प्रश्न वैसा। देखिए अगला प्रश्न है कि देयर आर सिक्स रेड बॉल फाइव येलो बॉल थ्री पिंक बॉल इन एन अर्न, टू बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से क्या करना है, दो बॉल को सेलेक्ट करना है। अब कहाँ कहाँ से होगा भाई, देखते हैं, इन द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ ड्रॉन इज ऑफ द रेड कलर, यानी हमें रेड कलर को नहीं सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, यानी ये दोनों को सिलेक्ट करना है, यानी पांच में से दो लिखना है, या बोल दे तो जोड़, क्या होगा भाई, तीन में से दो, टोटल कितने हैं, पाँच तीन आठ और छः, चौदह में से दो, सोल्व करें, पाँच चार दो प्लस तीन दो, चौदह गुने तेरह दो, सात दो, यानी दस और तीन तेरह, और क्या हो गया भाई यहाँ पे, तेरे साथ इक्यानवे, नहीं नहीं ये इसमें नहीं बनेगा, इसमें बोला है ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ रेड बॉल को आपको नहीं लेना है, नन ऑफ ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर, यानी रेड कलर को आपको नहीं लेना, तो आपको यही लेना है, इसी में आठ में से तीन सेलेक्ट करना है, आठ में से दो सेलेक्ट कर दीजिए, और टोटल कितने हैं, आठ छः चौदह में से दो सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया टोटल आउटकम। टोटल आउटकम के लिए क्या हो गया, यानी आठ का मतलब ये हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, चौदह
13, 7, 7 चौके 28, और यहाँ पे 7 मल्टीपल 4 यानी 4/13, ये होगा आंसर जी, ऑप्शन नंबर सी। क्या है फिर से समझेंगे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको बताना है कि रेड नहीं लेना था, तो जब रेड नहीं लेंगे तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें रेड से कोई मतलब नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों को दोनों सेम भी नहीं बोला ना, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए 8 बॉल में से 2 सेलेक्ट करना है, कुछ भी हो, बस रेड नहीं होना चाहिए। तो ये 8 में से 2 कोई सेलेक्ट हो जाएगा, और टोटल में से समझ रहे हो आप, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न में है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल, कितने रेड बॉल? 4 रेड बॉल, ठीक है, 6 ग्रीन बॉल, 6 ग्रीन बॉल, 5 ब्लू बॉल, 5 ब्लू बॉल, इफ 3 बॉल आर पिक्ड, 3 बॉल निकालना है इसमें से, कितने बॉल निकालने हैं? 3 बॉल, रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट दैट 2 ऑफ देम ग्रीन, यानी 2 बॉल क्या होने चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए, एंड 1 ऑफ द ब्लू, और प्लस क्या होना चाहिए? एंड बॉल दिया, एंड बोले तो मल्टीपल, 1 क्या हो जाए ना, होगा ब्लू, ठीक है, देखते हैं, यही है। तो ग्रीन किस में से? 6 में से, 6C2 मल्टीपल क्यों कर रहे हैं भाई? एंड बोल रहा है, एंड 5C1 एक ही बॉल चाहिए हमें ब्लू, टोटल कितना है? 6×4=10 और 5×15, 15 में से हमें कितना चाहिए? 3 चाहिए। अब इसको मल्टीपल कीजिए, 6×5 ये हो गया। अब यहाँ पे 15 मल्टीपल 14 मल्टीपल 13/3, 2, ठीक है, ये 7 से ख़त्म, ये 5 से ख़त्म, 7×21=75 से, ये 3 से ख़त्म, 7×5=25, 75 105, 15 होगा ना, हाँ, 5×5=10, 5×5, 5×5 5×25 सही है ना। अच्छा 13 था यार, 13×91 हो जाएगा यहाँ पे, यानी टोटल 15/91 आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि बैग ए कंटेन 4 ग्रीन, 2 बैग हैं, एक ए है एक बी है एंड 6 रेड, इसमें क्या है कि 4 ग्रीन है और 6 रेड है, इसमें क्या है 3 ग्रीन एंड 4 रेड है, 3 ग्रीन 4 रेड है, इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों में से एक एक बॉल लेना है, ठीक है, एक एक बॉल लेना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन, दोनों में से ग्रीन निकल ले, तो ग्रीन कितना है? 4, 4 में से एक निकलना है, ये तो हो गया फेवरेबल। अब टोटल क्या हो जाएगा? 6×4=10 में से एक निकलना है। अब एंड बोला है ना, एंड बोले तो यहाँ पे मल्टीपल, ग्रीन बोले तो 3 में से एक, टोटल 4×3=7, 7 में से एक, अब क्या हो जाएगा? एक है तो क्या हो जाएगा? 4×4 हो जाएगा, 10×10 हो जाएगा, 3×3 हो जाएगा, 7×7 हो जाएगा, 4×3=12, 3×9=6, 7×5=35, 6×8=35, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे तरह तरह के टाइप्स आपका गेंद से रिलेटेड, और 5 क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ। अगला रहेगा कार्ड, कार्ड को पढ़ने से पहले आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कितने प्रकार के कार्ड होते हैं, जैसे इसमें बहुत तरह के कार्ड होते हैं, जिसको डायमंड बोलते हैं, रेड होता है, क्वीन और आर्क भी बोलते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। आज इस वीडियो में इतना ही तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।